एल्विश यादव का इस समय एक नया वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई और क्या कहना चाह रहे हैं एल्विश यादव इस वीडियो में, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दूं कि भाई एल्विश यादव को जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता का सपोर्ट मिल रहा है, वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का ही है और हमेशा से उनको वो सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा और हमेशा से लोग उनको बहुत ज्यादा प्यार करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको बता दूं तो भाई एक चीज मैंने बहुत बार नोटिस की कि जब सच्चाई दिखाओ तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आपसे बहुत जल्दी आता है। जैसे एल्विश यादव के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें जो है बताई बहुत सारे लोगों को, लेकिन उसके बाद होता है ना कि यार वो कुछ लोगों को बुरा भी लग गया वो पार्ट। आपको बता दूं एल्विश यादव बिग बॉस में थे, अपने दम पे बिग बॉस जीते, एक बोलते ना एक कोई अलग कंटेस्टेंट था जिसने एक अलग वाइब, एक अलग माहौल क्रिएट किया बिग बॉस के घर में, अपनी एक अलग हाइप क्रिएट की और यही वजह थी कि वो बिग बॉस जीते। लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद सबसे ज्यादा उन पर सवाल उठे और इवन उनके फैंस तक ने उनको मैसेज करके बोल दिया कि भाई अब बदल गए हो। तो ये जब सवाल आप ही के फैंस आपसे पूछने लगे तो ऑलमोस्ट भाई आपके मन में क्या चलेगा। लेकिन आपको बता दूं एल्विश ने इस समय एक वीडियो अपलोड किया है और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ये वीडियो जो है इनडायरेक्टली अभिषेक मलान के लिए बनाया गया है। उस वीडियो में एल्विश कहते हैं देखो भाई सबसे ज्यादा मेन जो फसाद की जड़ है ना वो ये है, और हाथ में उठाते हैं बिग बॉस की ट्रॉफी और बोलते हैं ये फसाद है, सबसे मेन फसाद यही है ना। एक काम करो भाई, ये ले लो, मैं कुरियर करवा देता हूँ, इसको ले लो और मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बख्श दो। ट्विटर पे देखे मैंने पोस्ट, बस कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बख्श दो मेरे को। ये चीज़ एल्विश ने कही जिसका बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये इनडायरेक्टली जो ये बात कर रहे हैं ना कि अभी भी ट्रॉफी इन्हीं के पास है और ये देख के बड़प्पन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एल्विश जो है वो अभिषेक को ही ताना मारे और अभिषेक के बारे में ही कह रहे हैं इस पूरे ब्लॉग में। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा कुछ है या फिर जेन्युइनली एल्विश यादव जो है वो सच में इस हीट से थक चुके हैं, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।